बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती चली आ रही है, हालात तेजी से बदल रहे हैं। आर्थिक तंगी की दस्तक दरवाजे पर सुनाई देने लगी है। लोगों के सामने वो तमाम सवाल हैं जिसका उत्तर उनकी समझ से परे है। आज सोशल मीडिया में तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे फर्स्ट बाइट की टीम ने मेरठ के जाने माने चिकित्सक वे उत्तरी भारत के आधुनिकतम व संपूर्ण कैंसर संस्थान KMC के संचालक डॉक्टर सुनील गुप्ता से बात की। उनका साफ कहना है कि किसी भी महामारी की समय अवधि 49 दिन होती है, जो करीब 11 मई को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति सख्ती तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लंबा खींचे और लोग आर्थिक संकट से घिर जाएं। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता। डॉक्टर साहब, 3 मई के बाद लॉकडाउन की क्या स्थिति होगी और आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? लॉकडाउन को हुए आज 1 माह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद तरह तरह के नए मरीज आज भी कोरोना के हमको मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि शायद 3 मई के लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरोना के संक्रमित रोगी समाज से गायब हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलते हैं तो फिर इंटर ट्रांसमिशन, क्रॉस कंटामिनेशन की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक भी जो हॉट एरियाज हैं, हॉट स्पॉट्स हैं या जहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है, उनके इंटीरियर्स में लोगों की क्राउड, लोगों का आपस में मिलना जुलना अभी भी चल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हुए भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। वो अपनी जो उनकी एक नागरिक के रूप में दायित्व है उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम लॉकडाउन को बहुत लंबा ना खींचे। जो हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट 49 डेज का रहता है किसी भी एपिडेमिक का या पेंडेमिक का, वो 10-11 मई को ख़त्म होने जा रहा है, उसको ही तारीख हम रखें और इसके बाद हम लॉकडाउन को ख़त्म करके एक स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रखें, 144 रखें, कहीं भी ज़्यादा लोग एकत्रित ना हों, और मेडिकल जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट्स, COVID-19 टेस्टिंग करें और चीजों को सुचारू रूप में लाने की कोशिश करें। कोरोना के अलावा और मरीजों को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं? कोरोना के साथ जो और बीमारियां हैं, जैसे हमारे क्रोनिक हार्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या डायर इमरजेंसी हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के लेबर पेन्स हैं, उनको डिलीवरी होनी है, या कोई एक्यूट ट्रोमा के पेशेंट्स हैं, गनशॉट्स हैं, स्टैब्स हैं, उनको भी इलाज मिलना बहुत जरूरी है। जबकि पिछले 1 महीने में देखा गया है कि इस तरह के जो रोगी हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट सुविधा नहीं मिल पा रही है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो लोग भयभीत हैं कि कहीं कोरोना का उनको संक्रमण ना हो जाए। इसमें मेरा ये कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अब अपनी पटरी पर आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए कि उनकी एक स्क्रीनिंग, जैसे कि हम लोगों ने इस तरह के डायरेक्शन मिले भी हैं हमको पब्लिक हेल्थ सिस्टम से, कि उनकी एक स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग हॉस्पिटल की एंट्रेंस पे हो, जो उसके क्राइटेरिया हैं, उसके बाद अगर वो उस ससेप्टेबल लिमिट्स में आते हैं तो उनका COVID-19 टेस्ट हम भिजवाएं, और इन एमरजेंसीज को तुरंत इलाज मिले। COVID-19 की रिपोर्ट आने के बाद अगर वो पॉजिटिव है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही आइसोलेशन बोर्ड रखने के लिए कहा जाए और वो वहीं पर ट्रीट हो। जो पिछले दिनों में देखने में आया है कि अगर किसी के यहाँ पे कोई COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट इलाज करा के चला गया और वो बाद में पता चला, उस समय नहीं पता था जब वो एडमिट था, तो इस तरह 2-3-4 हॉस्पिटल्स को लाइसेंस निरस्त होने की या उनको सील करने की बात सामने आई है, जो मेरे हिसाब से निराधार है, वो नहीं होना चाहिए। जो मिडिल सेगमेंट सिटीज हैं,
जहाँ पे जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सारे इक्विपमेंट्स गैजेट्स सुविधाएं किसी भी बड़े कॉरपोरेट मेट्रोपॉलिटन सिटी के हॉस्पिटल से कम नहीं है, उनका रख रखाव, उनकी एमसीज, उनका एक्सपेंडिचर भी उतना ही है। लेकिन अगर इन सिटीज में इस तरह इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्लोज डाउन किया जाएगा केवल इस बात पे कि वहाँ पे पेशेंट एडमिट था, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने आने जा रही है। इसमें कोरोना के अलावा और मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा और लोग इतने भयभीत हो जाएंगे कि इमरजेंसी अटेंड करने की स्थिति नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ जो उन लोगों का एट स्टेक फाइनेंसिस हैं, जो उनकी बैंक ईएमआईज हैं, जो उन एस्टेब्लिशमेंट्स के डेली एक्सपेंडिचर्स हैं, जो एक लाइबिलिटी है हॉस्पिटल डायरेक्टर्स या हॉस्पिटल ओनर्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है उन लोगों के लिए। ये पूरी तरह से इलॉजिकल और अनजस्टिफाइड एक्ट है जो नहीं होना चाहिए। मैं इसकी बहुत मजबूती से एडवोकेसी करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लॉकडाउन अब खुल जाना चाहिए? लॉकडाउन खोलना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हम इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे तो सोसाइटी का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी अपनी चेन है, उसका जो एक सिस्टम मरीजों के लिए पहले से ही चल रहा है एक कंफर्टेबल जोन में ऑलमोस्ट वो पहले था, अब वो सब डिस्टर्ब हो गया है। अगर हम ज़्यादा लॉकडाउन को लंबा खींचेंगे तो इन चीज़ों को री गेन होने में, वापस पटरी में आने में, नियमित रूप से इनके जो संचालन की व्यवस्था है उसमें बहुत समय लगेगा और चीज़ें और ज़्यादा बुरे मोड़ पे आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में आ जाएंगी। तो इस आज के जो मेरा वक्तव्य है, जो मेरा ये कहना है, मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन को अब बहुत ज़्यादा 3 मई के बाद प्रोलॉन्ग ना किया जाए। हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें और जो हमारे कोरोना वायरस के या COVID-19 के जो खतरे हैं उनको हम स्ट्रिक्ट विजिलेंस सर्विलेंस से डील करें और स्ट्रिक्ट नियम बनाएं। बहुत ही हार्ड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इम्पोज हो, किसी भी तरह का उसमें कोई लैकुना नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई लोकल लोग बायस ना हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसी तरह से बायस ना हो, तभी इस भयावह महामारी से हम लोग एक समुचित रूप से निजात पा सकते हैं। जय हिंद। इस मुलाकात में आज इतना ही। 13.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमें अपने दिल में जगह दी है, उसके लिए बेहद धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान अपना पूरा ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।